हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ ही इस टाइप से डार्क एंड ऑरेंज टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर पे, इस वाला आइकन पे एंड यहां क्लिक करेंगे एंड यहां से टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस टेम्परेचर की वैल्यू को यहां से करते हैं +31 एंड यहां से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके आते हैं, तो इसकी वैल्यू को यहां से करते हैं -14 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है थोड़ा सा और ब्राइट लगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100 एंड इसकी इल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -16 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -20 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +35 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क आए, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +12 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो गाइस इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -44 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस मीट पॉइंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं 18 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस फेदर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +81 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +15 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो थोड़ा स्मूथ लगे। तो गाइस इसे हम 10 रखते हैं एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी यहाँ से थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी स्मूथ लगे। सो गाइस फाइनली हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोग जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।